कोरोना से डरे मत, उसे लड़ने का समय है। इस समय जल्द ही भिवंडी से कोरोना मुक्त होने वाला है, ऐसा संतोष शेट्टी ने कहा है। भिवंडी भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष वासम राजेंद्र व उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उनको भिवंडी मनपा के कोविड सेंटर टाटा आमंत्रा में भेजे गए पिछले 15 दिन पहले। आज वासम राजेंद्र उनकी पत्नी कोरोना योद्धा बनकर लड़कर ठीक हुई है, आज अपने घर पर पहुंचे हैं। उनको स्वागत करने के लिए भिवंडी भाजपा अध्यक्ष संतोष शेट्टी, मोहन कोंडा, राजेश उपलांचे, मधु कटलावा आदि मान्यवर लोग उपस्थित थे। और भिवंडी भाजपा अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने भिवंडी जनताओं को आह्वान किया है। असम भी हमारा कोरियर का एक वॉरियर है और जो ढंग से उसने इस पद्मनगर भाग के लिए काम किया, वो खाने का मसला हो और ख़ास करके जब तेलंगाना के लोग को अगर कोई एक ट्रेंड निकला नहीं तो पहला बस जिस लड़के ने इतना मेहनत करके लोग को यहाँ से भेजा, कम से कम 200 से 500 लोगों को, एक भी तेलंगाना का ट्रेन अपने भिवंडी से गया नहीं, कि इसने बहुत अच्छा मेहनत की, इतनी पूरी टीम ने, मेरा मंडल अध्यक्ष हो और मार्केट स्पोर्ट्स का अध्यक्ष है। सबसे पहली बात तो आज वो फिर वो और उनकी मिसेस दोनों को कोविड का लक्षण पाया गया था, गए 8-10 दिन से टाटा में थे और बहुत सही सलामत फिर घर पे आए। तो मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरे पद्मनगर परिषद की तरफ से जो उन्होंने सेवा किया है हमारे पद्मनगर के लिए और हमारे पार्टी के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो कल से 14 दिन वो भी घर पे आराम करना चाहिए, घर में बैठ के काम करना चाहिए और उनको पूरा पूरा सुबह देता हूँ। और वो तो और एक अच्छा तैयारी किया उन्होंने, उनका अगर कोई टेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको प्लाज्मा, वो तो उनकी प्लाज्मा देने की भी तैयारी है। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी है, मतलब कोरोना से लड़ के जीत के आए और फिर वो आगे उनका प्लाज्मा किसको भी काम आएगा तो उसके लिए भी उन्होंने डिक्लेयर किया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में और हमारे देवेंद्र जी जो माजी मुख्यमंत्री चंद्रकांत पाटिल इनके नेतृत्व में, जैसे उन लोग आज सभी जगह वो खुद आज अच्छे से अच्छे लोग डर रहे बाहर निकलने, लेकिन हमारे देवेंद्र जी और पूरी उनकी टीम, प्रवीण देरेकर, हमारे खासदार आमदार, आज सभी लोग हम लोग इसमें लगे ले। और फिर से मैं इस पूरे परिसर की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पद्मनगर के लोग डर के मारे ही बहुत सारे लोग मौत हो रहे, इसके बारे में क्या कहना है? एकदम डरो मत, फिर बोलता हूँ ऐसे कुछ बात नहीं, कोविड जो है इससे खाली इससे हमको संभल के चलना है। आज देखो जो बात मैंने पहले लॉकडाउन किए भिवंडी में, पहली लॉकडाउन ये 17 नंबर से किया था, हमको आगाह हमको समझ गया था क्या होने वाला है। आज हमारा 17 नंबर का जो हमने किया, बाद में हमारे नीलेश चौधरी ने किया, आज उसको भिवंडी महापाल ने एक्सेप्ट किया, आज भिवंडी महापाल एक्सेप्ट नहीं किया, आज उसको महाराष्ट्र एक्सेप्ट कर रहा है। आज थाने जिला पूरा बंद हो गया, सम्मान्य एकनाथ शिंदे जो पालक मंत्री है उन्होंने भी कल डिक्लेयर किया थाना बंद। वो हिसाब से सबको कोई से डरना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, खाली इसको अपने को सही टाइम पे सही इलाज करना है। मेरे साथ में जो डटे रहे हमारे से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संतोष शेट्टी जी, हर टाइम फोन करते रहे, दो टाइम क्या हुआ, कैसे क्या तबीयत है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो चाहने वाले बहुत जन ने फ़ोन किया मेरे को अच्छा रहने के लिए, मतलब मैं स्वस्थ होने के लिए जो मनोकामना की, उनके सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या क्या दिया सर उधर टाटा मंत्र में आपको? टाटा मंत्र में 5 दिन का कोर्स था, हाइड्रोक्लोरिक और एजिथ्रोमाइसिन सब कंपनी का अच्छा दवा था, सिस्टम अच्छा है, 2 टाइम का खाना, नाश्ता, चाय, सब कुछ अच्छा, सुविधा अच्छा ही था, उनके लिए कॉर्पोरेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से कोरोना मतलब डर रहे आप जाके आए, आपका क्या कहना है? खास कर जिनको भी कोरोना होता है ना, आप लोग डरिए मत, आप खास करना व्हाट्सअप या ये अपना न्यूज़, आप लोग जो कोरोना होएगा ना वो 15 दिन देखना बंद करें, क्योंकि उसमें अफवाह बहुत रहती है, उसमें आदमी आधा डर जाता है। इसमें कोरोना से कुछ होने वाला नहीं है, आप स्वस्थ रहिए, आप बिंदास लड़िए।